हेलो गाइज, वेलकम टू ओटेक्स पी। मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर देगा ताकि आप लेटेस्ट वीडियो चैनल पर देख पाएं। सो गाइज, आज जो है हम हुंडई एक्स्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और मैं जो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या इस गाड़ी में अच्छा है ए टू जेड, जितने मैंने करीब 10 पॉइंट जो इस गाड़ी के बारे में बनाए हैं। और ये जो रिव्यू मैंने बनाया है ना पॉजिटिव पॉइंट्स का, ये जो है मैंने जो कस्टमर गाड़ी देखना आए हुए थे, जिन्होंने पंच भी देखी हुई थी और एक्स्टर भी देखी हुई थी, तो फिर मैंने जो है उन ओनर से रिव्यू लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें जो अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें आपको बेकार लगी। अच्छाई वाली वीडियो आप अभी देख रहे हो, बुराई वाली वीडियो जो मैंने पहले डाली हुई है नेगेटिव पॉइंट्स की, और मैंने जो है खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, वो भी जो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है भाई गाड़ी की प्राइसिंग की। एक्स्ट्रा का जो प्राइस है वो आपका 6 लाख रुपये स्टार्ट हो जाता है, करीब करीब 10 लाख तक जाता है। आप देखो तो इससे सस्ती मिनी एसयूवी जो आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। टाटा पंजो डायरेक्टली 6 लाख से इस पे कॉम्पिटीट करती है, बट उसका जो टॉप एंड वेरिएंट का जो प्राइस है ना वो आपको 9.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पे जो है वो जाके खत्म हो जाता है। मतलब उसके टॉप वेरिएंट का और इसके टॉप वेरिएंट में जो 50,000 रुपए का फर्क है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है भाई वो है इस गाड़ी के साथ का इंजन। परफॉर्मेंस, पावर और रिफाइनमेंट तीनों ही जो है इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छी मिल जाती है, अगर इस सेगमेंट के हिसाब से आप देखो 7-8 लाख रुपए वाले सेगमेंट के हिसाब से। एवरेज भी जो है इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छी मिल जाती है, 19.4 किलोमीटर पर लीटर की जो आपको पेट्रोल में एवरेज मिल जाएगी, वही सीएनजी में जो है आपको 27 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल जाएगी। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में जो आपको 1.2 लीटर का इंजन मिल जाएगा। पेट्रोल में जो है आपको 83 हॉर्स पावर और 113 एनएम का टॉर्क निकाल कर देगी, और वहीं जो आपका सीएनजी में जो है आपको 69 हॉर्स पावर 95 एनएम का टॉर्क निकाल कर देगी एक्स्ट्रा। तीसरा जो पॉइंट है भाई वो है इस गाड़ी का लुक्स का। इस गाड़ी की लुक जो है वो काफी अलग है अगर आप बाकी गाड़ियों से सेगमेंट की से कंपेयर करोगे। हुंडई की डिजाइन लैंग्वेज जो वो कंप्लीटली डिफरेंट है अगर आप बाकी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करोगे। तो जो भी बंदा गाड़ी देखने आता ना, मैंने सबसे पूछा, बहुत से लोगों को अच्छी लग रही थी, बहुत से लोगों को बेकार लग रही थी, तो मिक्स रिएक्शन था। इस पॉइंट को जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ले सकते हो जो इसकी लुक्स हैं। और जो मैंने एक्स्ट्रा वर्सेस पंच वाली जो वीडियो डाली थी ना, उस पर भी जो है बहुत से लोगों को पंच अच्छी लग रही थी और बहुत से लोगों को जो है आपकी एक्स्ट्रा अच्छी लग रही थी। फोर्थ जो चीज़ है भाई वो है इसका बूट स्पेस। इस गाड़ी में जो है लार्जेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिल जाता है आपको गाड़ी के साथ। इसमें जो आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं टाटा पंच में जो है आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो करीब करीब आप देखोगे तो 25 लीटर का बूट स्पेस का फर्क जो है आपको मिलता है। और वहीं अगर आप सीटी और सीथ्री से इस गाड़ी को कंपेयर करोगे बूट स्पेस के मामले में, तो 76 लीटर जो है वो एक्स्ट्रा का बूट स्पेस जो है ज़्यादा है। फिफ्थ जो पॉजिटिव पॉइंट इस गाड़ी का है वो है भाई इसका कैबिन स्पेस। इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा हेडरूम स्पेस आपको मिलेगा। मैंने जो है 6'3" का पर्सन जो इस गाड़ी में बैठा हुआ देखा भाई, वो बहुत कंफर्टेबल होकर बैठा था, और उसके बाद भी जो इसमें 1/2 इंच की जो आपकी हेडरूम स्पेस थी वो बच रही थी। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा हेडरूम स्पेस कोई गाड़ी ऑफर करती है तो वो आपकी हुंडई एक्स्टर है। और लेगरूम स्पेस भी जो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, आप ये भी लगा लो आगे पीछे जो है 5'11" के जो है आराम से दो बंदे जो है बैठ सकते हैं कोई बिना दिक्कत परेशानी के, अच्छी खासी लेगरूम स्पेस के साथ। सिक्स जो सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में है भाई वो है रियर एसी वेंट्स। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में हुंडई एक्स्टर को छोड़ के रियर एसी वेंट आपको नहीं मिलेंगे, ना तो आपको टाटा पंच में मिलेंगे और ना ही आपको सीट्रोन C3 में मिलेंगे। बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया हुआ था कि टाटा पंच को रियर एसी वेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका एसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। होगा पावरफुल, बट भाई जब आपके पास पीछे रियर एसी वेंट होते ना, तो जो पीछे बंदे बैठे होते हैं उनको एक अलग लेवल का कम्फर्ट फील होता है, चाहे आपका एसी कितना ही पावरफुल हो गाड़ी का, बट पीछे एसी वेंट होना अपने आप में एक कंफर्ट वाली बात है। इस सेगमेंट के हिसाब से जिसमें कि 7-8 लाख रुपए आप सिर्फ खर्च कर रहे हो, वहाँ पर ये एसी वेंट जो जनरली नहीं मिलते हैं आपको बाकी गाड़ियों में, बट हुंडई एक्स्ट्रा में जो आपको मिल जाते हैं ये एक अच्छी चीज़ है काफ़ी। सेवन जो पॉइंट इस गाड़ी में सबसे अच्छा है भाई वो है इस गाड़ी का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसी गाड़ी में जो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा और किसी गाड़ी में जो आपको नहीं मिलने वाला है। टाटा पंच में जो है आपको सेमी डिजिटल मिलने वाला है, वहाँ पर जो आपकी स्पीडोमीटर होता है वो जो आपको एनालॉग मिलता है, वहीं जो आपका सीट्रोन है उसमें आपको डिजिटल मिलता है, बट उसकी क्वालिटी बहुत गंदी है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर आप हुंडई इसके एक्स्टर से आप उसे कंपेयर करो, एक्स्टर का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो डायरेक्ट उठाया हुंडई वेन्यू से, जो कि इससे एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है और उसका बेस वेरियंट करीब करीब 9.25 लाख रुपये का पड़ता है। तो वहाँ से जो है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है एक्स्टर का उठाया हुआ है, और उसकी क्वालिटी जो वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती है जब आप गाड़ी ड्राइव वगैरह करते हो। तो एट जो चीज़ इस गाड़ी के बारे में अच्छी है भाई वो है इसके कनेक्टेड कार फीचर्स। आपको टाटा पंच में जो 40+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे। सीट्रोन C3 का मुझे याद नहीं है, मैं आपसे झूठ बोल दूँ, बट उसमें इतने फीचर नहीं मिलते हैं। इस गाड़ी में जो है आपको 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं कनेक्टेड कार फीचर्स का क्या करूँगा, बट भाई मैं आपको बता दूँ, जब आप गाड़ी ले लेते हो ना और हुंडई के ऐप इंस्टॉल कर लेते हो,
तो उसके बाद आपकी गाड़ी कोई ले जाए, कितने स्पीड से वो चला रहा है गाड़ी को, किस लोकेशन पे है, किस तरीके की ड्राइविंग कर रहा है, वो सब चीज़ें जो है आप ऐप में देख सकते हो। गाड़ी से को फ़ोन से ही अनलॉक कर सकते हो, एसी चला सकते हो, आपका टच स्क्रीन चला सकते हो, सब चीज़ जो है आप गाड़ी की बैठे बैठे फ़ोन से जो आप चला सकते हो। आप वो भी चेक कर सकते हो, GPS वगैरह, नेविगेशन वगैरह, सब चीज़ जो आप अपने फ़ोन से चेक कर सकते हो। आपका सर्विस इंटरवल कब आने वाला है, आपकी गाड़ी की सब चीज़ें ठीक है या नहीं, सब चीज़ें जो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है ना, ये रियली में जब आप गाड़ी खरीद लेते हो ना, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई ये फीचर्स काम के हैं। नहीं तो जो चीज़ भाई इस गाड़ी में ही है सिर्फ और किसी गाड़ी में नहीं है, वो है भाई इस गाड़ी की सनरूफ। इस गाड़ी में जो है आपको सिंपल सनरूफ मिल जाती है, बट भाई सनरूफ और इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। ना सीट्रियन C3 में आपको मिलेगी, ना ही टाटा पंच में मिलेगी। बट जो टाटा पंच का अब फेसलिफ्ट आने वाला है, जो कि आपका CNG में आएगा, अगस्त में ही जो वो लॉन्च हो जाएगा, और ये डिटेल जो है वो एकदम पक्की है, अगस्त एंड तक जो आपको टाटा पंच भी जो वो CNG में मिलने लगेगी। 10 जो चीज़ इस गाड़ी के बारे में सबसे अच्छी है भाई, वो है इसकी फिट एंड फिनिश। मैं कह रहा हूँ इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हुंडई एक्स्टर को फिट एंड फिनिश के मामले में नहीं बीट कर सकती है। चाहे वो आप डैशबोर्ड कैसे ले लेना, आप गाड़ी का क्वालिटी ऑफ मटेरियल देख लेना जो कि आपके इंटीरियर में यूज़ किया हुआ है सारा का सारा, टच स्क्रीन की क्वालिटी आप देख लेना, AC वेंट, बटन, कुछ भी आप उठा के देख लो, इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश को कोई मैच नहीं कर सकता है। टाटा का भी जो पंच का इंटीरियर है वो अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक्स हैं उसकी, सब चीज़ अच्छी है, बट फिर भी जो है थोड़ा सा भी टाटा को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फिट एंड फिनिश के मामले में, क्योंकि भाई हुंडई की फिट एंड फिनिश बहुत टॉप लेवल की होती है और हुंडई का इंटीरियर जो बचता नहीं है जब तक आप उसे गड्ढों में कम से कम 125,000 किलोमीटर चला ना लो। तो ये थे वो 10 पॉइंट जो कि मुझे अच्छे लगे हुंडई एक्स्टर में। आप मुझे बताना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो वो अच्छी लगी हुंडई एक्स्टर में कमेंट सेक्शन में, जो कि मैं मिस कर गया हूँ। बाकी ओवरऑल आप गाड़ी देखो ना हुंडई एक्स्टर, अगर मुझे 100 में से पॉइंट देने हो तो भाई मैं 70 पॉइंट जो उसे दे दूंगा। बस मुझे जो थोड़ा डर है ना वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी का, कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि आपको पता है अब लोग जो है इंडिया में इस चीज़ के लिए काफ़ी देखते हैं कि भाई हमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए गाड़ी में, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए। क्योंकि टाटा पंच जो एक्स्ट्रा वाली वीडियो पर भाई दुनिया भर के कमेंट थे बिल्ड क्वालिटी को लेकर, कि भाई ये बिल्ड क्वालिटी में क्या स्कोर करेगी क्या स्कोर करेगी। बट हुंडई भी इस बार क्लेम कर रही है कि भाई ये गाड़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी में स्कोर करेगी, उन्होंने काफ़ी सारे जो वो चेंजेस जो वो किए हैं बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी के में, और काफ़ी सारा हाई टेंशन स्टेन स्ट्रीप जो है इसकी जो आपका चेसिस होती है उसमें जो उन्होंने यूज़ किया है, फ्रेम जो होता है इसका। बाकी और कोई कंसर्न जो इस गाड़ी को लेकर नहीं है, फीचर जो आपको दुनिया भर के इस गाड़ी में मिल जाते हैं भाई, टच स्क्रीन मिल जाती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सेमी लेदर सीट्स मिल जाती हैं, आपको डैश कैम मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, डैश कैम इस प्राइस पॉइंट पर कोई गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती, और वो भी डुअल डैश कैम मिलता है आपकी तरफ भी और सामने की तरफ भी। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरा हुंडई एक्स्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियो।